साथियों, थंबनेल देखकर आपको समझ ही आया होगा कि आज मैं साउथ पुणे में हड़पसर में खड़ा हूँ। और अगर आप हड़पसर में खुद के बंगलों के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज एक क्लियर टाइटल एनए प्लॉटिंग प्रोजेक्ट अगर सर्च कर रहे हो तो आज का जो प्रोजेक्ट है और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त जो पांच पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उस पांचों पॉइंट को हम इस वीडियो में देखने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होता है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट का लेआउट देखेंगे, उसके बाद या कि फैसिलिटी एमिनिटीज़ देखेंगे, और उसके बाद हम FSI की बात करेंगे क्योंकि FSI काफ़ी अच्छा दिया है। सिटी के प्राइम लोकेशन में ये प्लॉट है तो FSI काफ़ी मैटर करेगा। और आखिर में हम इस प्रोजेक्ट की प्राइजिंग भी समझेंगे, मीन्स हर प्लॉट का रेट क्या है उसको भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखिए। इस बार हमने एक अच्छी बात क्या की है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टाइमलाइन बनाई हुई, एक चैप्टर डाले हुए, तो आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको क्लिक कीजिए और डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाके आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल भी लिख सकते हो। स्किप करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो साथियों, अभी इस प्रोजेक्ट से हम कनेक्टिविटी समझते हैं। तो एमिनोरा मॉल जो है वो यहाँ से 5.8 किलोमीटर है, जा जाने के लिए आपको 15 मिनट लगेंगे। उसके अलावा सीज़न मॉल जो है वो 5.6 किलोमीटर है, जहाँ पे जाने के लिए भी 15 मिनट लगेंगे क्योंकि एमिनोरा और सीज़न मॉल सामने सामने ही है। मगरपट्टा सिटी 5 किलोमीटर है, जहाँ पे जाने के लिए 14 मिनट लगेंगे। हड़पसर गाड़ी तल जो है वो 3.8 किलोमीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अगर हड़पसर की बात आती है तो गाड़ी तल से डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, तो गाड़ी तल जो है वो 3.8 किलोमीटर है। NIBM जो है, NIBM रोड जो है वो 5 किलोमीटर है। उसके अलावा हंडेवाड़ी जो है वो 3.5 किलोमीटर है। SP इन्फो सिटी जो है वो 4.5 किलोमीटर है। सीरम इंस्टीट्यूट 6 किलोमीटर है और ईओन IT पार्क जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर है। और बाकी जो डिस्टेंसेस है वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो ये इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। और जब भी आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और यहाँ का गूगल लोकेशन मंगवा लीजिए और डायरेक्टली गूगल लोकेशन को फॉलो करके आप इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हो। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट का जो लेआउट है उसको डिटेल में समझते हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट के लेआउट को समझते हैं, लेकिन लेआउट समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें काफ़ी हेल्प होती है ग्रोथ करने के लिए। और अगर आप नोटिस करोगे तो पुणे का वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, जो पुणे के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एरिया में जाके हम लोग वीडियो बनाते हैं और काफ़ी स्टडी करके इस वीडियो को बनाते हैं। और जो भी अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पे सारी चीज़ें लीगल है ऐसे प्रॉपर्टी का वीडियो बनाने को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो पिछले 3 साल से काफ़ी सारे वीडियो हम बना चुके और काफ़ी फेयर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, काफ़ी इथिकली इस बिज़नेस को करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या कि अपने कस्टमर को कभी हम कोई भी चार्ज नहीं करते, लेकिन जो कंसल्टेंसी है यानी कोई भी हेल्प लग रही है तो मैं और मेरी टीम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अभी तक 3 साल में हम लोग काफ़ी सारे लोगों को प्रॉपर्टी लेने में हेल्प कर चुके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और प्रॉपर्टी लेते वक्त कोई भी अगर आपको लीगल या टेक्निकल हेल्प लग रही है तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हम आपको जो भी हेल्प चाहिए वो पूरी करेंगे। बाकी अभी लेआउट की बात करते हैं तो टोटल 5.5 एकड़ का ये पूरा लेआउट है, जिसमें फेज़ 1 और 2 जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन फेज़ 1 और 2 के जो प्लॉट थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के प्लॉट थे। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यानी ये जो रोड है, इस रोड के ये साइड में जो भी प्लॉट है ये साइड में, तो ये फेज़ 3 है, जहाँ का हर एक प्लॉट जो है वो ईस्ट वेस्ट है, यानी वास्तुशास्त्र के हिसाब से परफेक्ट प्लॉट है। टोटल 53 प्लॉट है इस पूरे फेज़ 3 में। मिनिमम प्लॉट साइज़ जो है वो 1250 स्क्वायर फुट की यहाँ पे होने वाली है। अगर लेंथ और वीड की बात करते तो ये जो इसका ये देख रहे हो आप वीड जो है वो 25 फीट का है और इसकी जो लंबाई ये लेंथ है ये 50 फीट की है, यानी 25x50 का प्लॉट है। अभी इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लॉट है जो ऐसे कॉर्नर प्लॉट है, जैसे दो साइड से आपको यहाँ पे रोड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही सारे प्लॉट है, बाकी बीच बीच में आप ये पे रोड देख सकते हो। जो अभी इंटरनल रोड है वो 6 मीटर का है और बाहर के जो रोड है वो 9 मीटर का है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो FSI 2.1 का FSI, क्योंकि सिटी में प्लॉट है, PMC लिमिट में ये प्लॉट है, इसलिए 2.1 का FSI दिया गया है। इसका मतलब ये आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 1000 स्क्वायर फुट का अगर प्लॉट ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप 2100 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और जो कंस्ट्रक्शन हाइट की जो लिमिट होगी वो होगी P+3, यानी पार्किंग का एक फ्लोर होगा और उसके अलावा 3 फ्लोर जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो काफ़ी बड़ा जो बंगलो है वो आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो ये
FSI जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, और उसके वजह से रेट जो है वो जस्टिफाई होता है। रेट मैं आखिर में बताऊंगा। अभी फैसिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे रोड देख सकते हो, अभी 9 मीटर का रोड है, पूरा सीमेंट का रोड दिया गया। अभी या फिर फुटपाथ के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी गई क्योंकि सिटी का प्लॉट होने की वजह से हर किसी के टू व्हीलर और फोर व्हीलर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऐसे वक्त अगर आप कोई विजिटर आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, तो रोड पर भी कार लगा सकते हैं। इसलिए रोड जो है वो काफ़ी बड़े छोड़े गए। जो वाटर कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, टैप देख दिख रहे होंगे आपको पीने के पानी के, तो ये कॉरपोरेशन का पानी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि PMC लिमिट में है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो भी PMC का है। फीडर बॉक्स आप देख सकते हो, जो भी आप बंगलो बनाओगे तो यहाँ से आप MSEB का जो कनेक्शन है, मीटर है, वो ले सकते हो। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट में आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेंगे। ये अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आप ड्रेनेज देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ड्रेनेज लाइन। तो PMC का जो ड्रेनेज लाइन वो प्रोजेक्ट के एंट्रेंस गेट तक आ चुका है, बाकी प्रोजेक्ट में भी ये प्रोविजन यहाँ पे की हुई है। पूरे प्रोजेक्ट को आप ऐसे वॉल कंपाउंड देख सकते हो, यहाँ पे नीचे स्टोन में वॉल है और ऊपर ब्रिक्स वर्क है। टोटल 10 फीट का ये पूरे प्रोजेक्ट को वॉल कंपाउंड है। एंट्रेंस गेट यहाँ पे दिया गया है। CCTV कैमरे भी होने वाले, अभी CCTV कैमरे और एंट्रेंस गेट और चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये एमिनिटीज़ में यहाँ पे दी गई है। ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं दिया गया है क्योंकि फोकस जो है वो एक्चुअल प्लॉट देने पे रखा गया है। प्लॉट का रेट जो है वो ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए जो बेसिक फैसिलिटी है वो देने पे ज़्यादा जोर दिया गया है बिल्डर की ओर से। और यहाँ पे जो डिमार्केशन है वो 2-2 फीट का प्रीकास्ट का कंपाउंड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे घर लेने वाले जो प्लॉट ले रहे वो अपने मन से कोई भी बंगलो यहाँ पे बना रहे, तो वॉल कंपाउंड भी जो होता है प्लॉट के बीच का वो भी अपने हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो 2-2 फीट का वॉल कंपाउंड दिया गया है, इसकी वजह से इंफ्रा कॉस्ट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, जो एक्चुअल है वो उतनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो समझ में आया होगा। जैसे 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, फेज़ 1, 2, 3, 4 चार फेज़ है। तीसरा फेज़ जो अभी चल रहा है यहाँ पे सेलिंग, 53 प्लॉट है। मिनिमम प्लॉट साइज़ 1250 स्क्वायर फुट की दी गई है। 2.1 का यहाँ पे FSI है। प्लॉट के साथ आपको सीमेंट के रोड, लाइट, पानी, डिमार्केशन, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, प्लांटेशन, उसके अलावा पूरे वॉल कंपाउंड, ये सारी चीज़ें दी गई है। और अभी हम लोग रेट की बात करते हैं। तो साथियों आखिर में रेट की बात करते हैं। 6,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट यहाँ पे रखा गया है, लेकिन वो 6,000 रुपये का रेट जो है वो जस्टिफाई होता है क्योंकि FSI जो है वो 2.1 का है। अगर आप पूरे पुणे की भी बात करें तो 1 का FSI होता है। 1 का FSI का मतलब क्या होता है, अगर आप 1,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लेते हो तो 1,000 स्क्वायर फुट का आप लीगली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे 1,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले रहे हो तो 2100 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो FSI की वजह से ये जो रेट है वो जस्टिफाई होता है। 6,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट यानी 60 लाख रुपये गुंठे का रेट है। FSI की वजह से वो रेट आपको 30 लाख रुपये गुंठे का यहाँ पे होने वाला है। पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अभी इस एरिया की अगर फ्लैट की बात करते हैं तो 700 स्क्वायर फुट का कारपेट का फ्लैट लगभग 65-70 लाख के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है। तो उससे अच्छा अगर आप 1,250 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले तो जिसका बेसिक कॉस्ट 75 लाख रुपये जाने वाला है, बाकी 7% स्टैम्प ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन, लीगल के चार्जेस, मेंटेनेंस, ये अलग होगा। लेकिन 75 लाख की अगर बात भी करते हैं तो अगर आप 75 लाख में 1,250 स्क्वायर फुट का भी प्लॉट लेते हो, वो भी आपको जो फ्लैट का 700 स्क्वायर फुट का कारपेट है उससे तो कई गुना बड़ा ही है। तो 1,250 स्क्वायर फुट का अगर प्लॉट लेके अगर आप P+3 का अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फिर भी 2,500-3,000 स्क्वायर फुट का आपका बंगलो बन जाएगा। और बड़ी फैमिली है तो आप उसमें आराम से रह सकते हो, 1.5 CR तक ये पूरा बैठ जाएगा। लेकिन जो घर बनेगा वो आपका सपनों का ही घर यहाँ पे बनेगा, जैसे चाहिए वैसे एलिवेशन आपका यहाँ पे बनने वाला है। और सेटिस्फेक्शन की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो देखिए आप PMC लिमिट में ये प्लॉट है, और हड़पसर की डेवलपमेंट की तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो हड़पसर कितना डेवलप हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है, और हड़पसर में कोई भी NA प्लॉट अभी है ही नहीं। 2 ही प्लॉट है, एक तो ये है जिसका 6,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है। और कुछ दिन पहले मैंने हंडेबाड़ी में एक वीडियो बनाया था, अगर आपका 6,000 रुपये स्क्वायर फुट का बजट नहीं है, आप थोड़ा और अफोर्डेबल कॉस्ट में इससे कम बजट का देखना चाह रहे हो, तो आई बटन में मैंने उस वीडियो का भी लिंक दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके हंडेबाड़ी का भी वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे रेट जो है वो 4,600 के आसपास वहाँ पे रखा गया था, यहाँ पे 6,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है। बाकी प्लॉट लेने के लिए आपका कोई भी बैंक से यहाँ पे 80% जो है वो लोन भी होने वाला है, और कंस्ट्रक्शन का भी जो लोन है वो आपका यहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। बाकी आपके और भी कुछ सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। आपको एक प्लॉट लेने में, खास करके आप अगर वन टाइम पहली बार प्लॉट ले रहे हो, तो ऐसे वक्त में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए लीगल टेक्निकल में निगोशिएशन के लिए, तो ज़रूर कॉल कीजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, और आपसे कोई चार्ज भी
नहीं करेंगे, वैसे हम कभी चार्ज करते ही नहीं। और हर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार को 7 से 8 में हम नया वीडियो लेके आते हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी आप लगाइए ताकि आपको पुणे के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर दिशा के 360 डिग्री के नए नए प्रॉपर्टी के वीडियो देखने मिल सके। और आप नए कोई लोकेशन का अगर वीडियो चाहते हैं या प्रोजेक्ट का तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।